नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिसके पीछे कई राज छुपे हुए हैं, और एक बार ये नाम जो है वापस चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और कुछ यूं चर्चाएं हो रही हैं इस नाम की कि सारे अमेरिकी सुपर हीरोज ने अजीत डोभाल के सामने अपना सर झुका लिया है। अजीत डोभाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, और कुछ इस कदर ट्रेंड कर रहे हैं कि उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्टेड मीम्स जो हैं वो ट्विटर पर शेयर किए जा रहे हैं। शायद ऐसे मीम्स जो हैं किसी और के लिए शेयर होते हुए कभी ट्विटर पर नहीं देखे गए होंगे। दरअसल बात ये थी कि अजीत डोभाल ने एक बहुत बड़े मसले पर, जो भारत में अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, वैक्सीन के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत की, और अमेरिका ने उस बात को मान लिया है और भारत की मदद का वादा किया है। दरअसल जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई जा रही है, उसके कच्चे माल की आपूर्ति के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं अदार पूनावाला, वो काफ़ी लंबे समय से परेशान थे। अदार पूनावाला ने कई बार अमेरिकी प्रशासन से बात भी की उस कच्चे माल की सप्लाई के लिए, लेकिन अमेरिका से कच्चे माल की आपूर्ति होना या फिर सप्लाई होना पूरी तरीके से बंद हो गई थी। इसके बाद अदार पूनावाला भी और भारत सरकार भी काफ़ी दिनों से इस मसले को लेकर परेशान थी, जिसके बाद अजीत डोभाल को मैदान में उतारा गया। जो भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने अमेरिका से इस मसले पर बात की। जो अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनसे अजीत डोभाल की बातचीत हुई, और अब अमेरिका ने वादा किया है कि वो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले कच्चे माल की सप्लाई भारत में करेगा, और जल्द ही करेगा। बता दें कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर भारत की जो विदेश नीति है उसने अपनी बात विदेश में, या जो कहें जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका में, कुछ इस कदर मनवाई कि अब अजीत डोभाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। पिछले शायद काफ़ी टाइम हो चुका है अजीत डोभाल को ट्रेंड करते हुए ट्विटर पे, और उनके लिए काफ़ी सारे मीम्स भी शेयर हो रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ट्विटर यूज़र्स ये भी कह रहे हैं कि जहाँ अजीत डोभाल हैं वहाँ पर राह है। इसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने US के मुश्किल समय में, या जब US की गंभीर स्थिति थी उस समय भारत ने पूरा साथ दिया है, तो अब जो भारत की गंभीर स्थिति है उसमें अमेरिका भी उसका पूरा साथ देगा। इसके साथ ही UAE जो है उसने भी भारत का साथ देने का और सपोर्ट करने का वादा किया है। कल जो UAE की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो भी रविवार रात तिरंगे के रंग में रंगी थी, और उस पर लिखा हुआ था #StayStrongIndia। बता दें भारत की जो कोरोना से स्थिति है बेहद चिंताजनक स्थिति है देश की इस समय, और जो सरकारें हैं वो लगातार इस कोशिश में लगी हुई हैं कि इस स्थिति से जल्द निपट लिया जाए, सारे मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल सके, किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में मरना ना पड़े या उसकी मौत ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश है। राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कुछ देशों ने भारत की मदद की पेशकश की है, उसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। बता दें जो NSA हैं अजीत डोभाल, उन्होंने अमेरिका से कच्चे माल की सप्लाई के लिए बात की है, और जल्द ही सीरम इंस्टीट्यूट को वो कच्चा माल सप्लाई हो जाएगा और उसकी आपूर्ति भी हो जाएगी। इसके बाद फिर कोविशील्ड जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई जा रही है उस की सप्लाई भी भारत के कई राज्यों में जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी सीरम इंस्टीट्यूट को, तो कोविशील्ड बनाने में सीरम इंस्टीट्यूट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शायद अजीत डोभाल ने इस मुश्किल से केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों को निकाल दिया है। नमस्कार।